हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गैस गरी के बुरादे की बर्फ़ी। तो गरी का बुरादा, गैस आपने कहा था कमेंट में एक सब्सक्राइबर्स ने कि गरी का बुरादा क्या होता है। सो गैस, एक गरी का जो गोला होता है ऊपर का छिलका उतारने के बाद उसको कद्दूकस करा जाता है तो वाइट होता है, और जो ब्राउन कलर का जो छिलका होता है गरी का वो निकाल दिया जाता है इस तरीके से। उसको कद्दूकस करने के बाद उसको कहते हैं गरी का जर्दा, गरी का बुरादा, जो भी आप भाषा बोलते हो। तो गैस इस तरीके से आप गरी की बर्फ़ी बना सकते हैं। मैंने लिया है आधा गिलास दूध, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है, ना ही आपको ज़्यादा घी लेना है, ना ज़्यादा दूध लेना है, बस मिल्क पाउडर मैंने दो पाउच लिए हैं। इससे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं गैस गरी के बुरादे की बर्फ़ी। तो बनाने के लिए गैस गैस को ऑन करेंगे और जो मैंने आधा गिलास दूध लिया है वो कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई चाहे कोई भी हो आपके पास, चाहे लोहे की कढ़ाई हो या नॉन स्टिक फ्लेम हो, कोई अवेलेबल हो आपके पास वो आप ले सकते हैं। तो मैंने एक कटोरा गरी का बुरादा लिया है और मैंने लिया है एक कटोरी चीनी। तो गैस आप चार चीज़ों से आप बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया गरी की बर्फ़ी। तो गैस दूध को मेल्ट करने के लिए इसमें डाल देंगे चीनी। तो जब चीनी डालेंगे तो दूध का कलर थोड़ा हल्का हो जाएगा। चीनी डालने से गैस पिघलती है। चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। मैंने डेढ़ कटोरी कांच की, जो आप दे सकते हैं, जो आपके घर में भी अवेलेबल होगी कटोरी, तो आप इस तरीके से डेढ़ कटोरी चीनी डाल दीजिए। और गरी का बुरादा जो लिया है मैंने 250 ग्राम लिया है, और मैंने मिल्क पाउडर इसके ऊपर दो पाउच इस तरीके से डाल देंगे। तो ऑलरेडी गर्म है और गर्म के ऊपर मैंने पाउडर एक पाउच मिल्क पाउडर डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइट हो गया है और ये अच्छे से घुल नहीं पाया है। तो चलिए नो प्रॉब्लम, मैंने कचली से दबा दबा कर इसको लो फ्लेम पर गैस करके इसको ठीक से घोल दिया है। अब दूसरी कटोरी में डाल देंगे मिल्क पाउडर दूसरा पाउच, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालने का इसको घोलने के बाद डाल रही हूँ मैं, ताकि इसमें गुठली ना पड़े, जो मैंने पहले डाला था अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब मैंने दूध डाला है, दूध डालने के बाद चीनी डाली है, चीनी डालने के बाद मिल्क पाउडर डाला है। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा खोया भी डाल सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा डाल सकते हैं तो 4 टीस्पून। तो खोया अवेलेबल नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी से ही आप बना सकते हैं। तो गैस इसमें खोल अच्छे से आ गई है। जब इसमें दो तार की चाशनी बनने वाली हो और ये गाढ़ा हो जाए, उंगली में लगाकर देखेंगे तो चिपचिपाहट होगी और दो तार की चाशनी हो जाएगी, तो ये परफेक्ट चाशनी बनने के लिए तैयार है। अब जो मैंने गरी का बुरादा जो घिस के लिए लिया है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरी घिस लिया है कद्दूकस से अलग से भी। तो गैस जो मैंने जो गरी का गोला जो दिखाया था तो मैंने अलग से डाल दिया है कद्दूकस करके। इससे क्या रहता है गैस, जो बाउंडिंग है जो बहुत ही अच्छी बनती है और आपकी कतरी बहुत ही अच्छे से जमेगी। जो मैं दिखा रही हूँ गैस, ये गरी का गोला मैंने कद्दूकस करके थोड़ा सा अलग से डाला है। तो गरी का बुरादा और गरी तो दोनों इस तरीके से अच्छे से डाल देंगे, और जब चलाते रहेंगे तो ये मिक्स होने लगेगा। इसमें गैस घी नहीं डालना है, घी ऑलरेडी गरी में होता है। तो इस तरीके से जब चलाते रहेंगे तो कढ़ाई छोड़ देगा, और कढ़ाई में इस तरीके से अगर चिपचिपाहट होगी तो आपकी कतली जमने के लिए परफेक्ट तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जब कढ़ाई में छोड़ देता है ये, जब इसको कढ़ाई को कचली, अब आप देख सकते हैं कि मैं कचली को जो चाकू से निकाल रही हूँ, खुरच रही हूँ, तो जब ये आप देख सकते हैं कि ये इसने बिल्कुल एक डो जैसा तैयार हो जाता है। तो ये डो परफेक्ट तैयार हो गया है, अब ये जमने के लिए परफेक्ट तैयार हो चुकी है कतली गरी की। तो गैस को ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा गुलाबी हो गया है। अब जो थाली लेंगे या जो भी अवेलेबल हो आपके पास, उसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और इसमें लेयर लगा लेंगे। ग्रीस करने के बाद जो मैंने गरी कोई बनाया है कतली, वो इसमें अच्छे से तुरंत डाल देना है, और देर नहीं करनी है गैस। हाँ, तो मैं थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा पानी, और ताकि ये गर्म है तो बड़ी सावधानी से ही करना है। तो मैं पहले गिलास से कर रही हूँ या कचली से, तो इस तरीके से बराबर कर लेना है। तो गिलास से तो मैंने कर दिया है और इसमें गिलास में चिपक रहा है। तो इस तरीके से अब मैंने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लिया है, थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब आप देख सकते हैं बराबर से इसको कर देनी है। तो मैं कचली जो है प्लेन वाली ली है, उससे भी इस तरीके से दबा दबा कर, जो आप मोटी लेयर लेना चाहें तो मोटी ले सकते हैं, छोटी पतली बनाना चाहें तो आप छोटी बना सकते हैं। तो या चौकोर डिब्बा ले लीजिए। अब इसके ऊपर आप चाहें तो चांदी की परत होती है, परक लगा सकते हैं, तो उससे भी डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया लगती है। तो गैस चाहे तो नहीं लगाइए। तो आप सभी को गैस जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी पे आप गैस बनाइएगा गरी के बुरादे की बर्फ़ी, और इस तरीके से परफेक्ट बन के तैयार हो गए। तो गैस आप मेरी रेसिपी कौन सी जगह से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसको पंखे में रख देंगे 15 मिनट के लिए। जब पंखे में रख देंगे तो ये अच्छे से टाइट हो जाएगी। चाहे तो अगर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने जमाया है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं है, गीली नहीं है, अच्छे से जम गई है। इसके ऊपर चिरौंजी और केसर के लच्छे लगा देंगे, तो केसर
से भी कलर बहुत अच्छा था। चाहे तो आप इसमें पहले ही केसर डाल देते तो वाइट की जगह थोड़ा सा केसर का कलर आ जाता येलो कलर में। तो गैस केसर मैं ऊपर से चिपका दे रही हूँ हल्की हल्की सी। और इसमें गैस इलायची नहीं डालिएगा, अगर आप इलायची डालेंगे तो इसमें टेस्ट अलग आ जाएगा। तो गरी का टेस्ट ना हो कि आपकी इलायची का टेस्ट लगेगा, इलायची बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गरी के बुरादे की बर्फी इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये ठंडी हो चुकी है, इसको चाकू से मनचाहा आकार दे सकते हैं। तो बर्फी का शेप दे सकते हैं। इस तरीके से गैस बर्फी बनकर तैयार हो गई है। आप कान्हा जी के लिए भोग लगाइएगा, प्रसाद सबको पाइएगा और सबको दीजिएगा। और आपको गरी के बुरादे की बर्फी इस तरीके से गैस आप फटाफट बना सकते हैं। तो 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बनाने के लिए आपकी क्वांटिटी परफेक्ट है, ना ही आपको इसमें घी डालना है ज़्यादा, ना दूध डालना है, बस फटाफट बनकर तैयार हो गई है। और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो गाइस अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि परफेक्ट बर्फी जमकर तैयार हो गई है। अगर इसकी टाइटनेस आपको देख कर ही आपको पता चल रही होगी कि बिल्कुल गीली नहीं है और परफेक्ट जमी हुई है। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस इस तरीके से आप बना सकते हैं और आपको मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी। तो इस तरीके से गाइस इसको मनचाहा आकार दे सकते हैं। तो इस तरीके से गरी के बुरादे की बर्फी बनकर परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए मैंने सर्व कर लिए। तो इस तरीके से गाइस आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। हैप्पी जन्माष्टमी।